हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी. और आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे देश में कई ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो गए जो किसी से भी लाइट बना सकते हैं. चाहे आप ब्लेड से बना लो, चाहे आप किसी से नीम की पत्ती से बना लो, किसी भी चीज़ से ये लाइट बना सकते हैं. इन पर बिल्कुल भी विश्वास करना है आपको. देखिए, अभी इस वीडियो में इन्होंने किया क्या है, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको. इन्होंने फ्रेंड ये ब्लेड लगाई है, एक फॉइल पेपर, एक मतलब सबसे पहले इन्होंने एक कोई भी शीट ली है, कागज़ की शीट ली है. फिर उसके ऊपर इन्होंने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर लगाया दोनों साइड, और इस पर ब्लेड लगा के इधर पॉजिटिव कर दिया इन्होंने, इधर नेगेटिव कर दिया. इसके बाद जैसे इस पर ये रोशनी डालते हैं तो लाइट जलती है. इधर से पकड़ रखा है इन्होंने, देखो अब यहाँ पे, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे पकड़ रखा है इसको, देखो फ्रेंड यहाँ पे इसने पकड़ रखा है इसको, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसके बाद ये फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा. तो फ्रेंड देखो, बेसिकली इसने कर क्या रखा है इन साइंटिस्ट ने, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में. इन्होंने क्या कर रखा है फ्रेंड, यहाँ पे जो ये बटन वाले सेल आते हैं, ये बटन वाले सेल है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे सपोज करो ये वाली ब्लेड है, ये ब्लेड हो गई हमारी, ठीक है. तो इस ब्लेड से क्या कनेक्ट हो गया इसका सेल का प्लस. अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो ये कागज़ का जो भी हमारे पास गत्ता है, यहाँ पर माइनस लेके जाएंगे, और इधर की साइड दूसरी ब्लेड लगी हुई है, यहाँ पर इसका माइनस लगा देंगे. तो इधर अब जितनी भी ब्लेड होगी इस ब्लेड से जोड़ देंगे इनको, ये देखो सारी प्लस वाली हो गई, चार पांच ब्लेड लगा देंगे दिखाने के लिए आपको, और इधर की साइड सारी माइनस वाली ब्लेड लगा देंगे. ये तीन चार ब्लेड हो गई, देखो ये जो ये सेल है हमारा, इसका प्लस इस ब्लेड पर कनेक्ट हो गया, और माइनस यहाँ से इन्होंने पेपर के अंदर से एक वायर निकाल दिया माइनस. अब यहाँ पर लाइट लगाएंगे, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्या है, दोनों वायरों को जॉइंट रखा है यहाँ पर, यहाँ पर इन्होंने कोई लाइट लगा दी, ये लग गया, फैन लग गए यहाँ पर. तो फ्रेंड जैसे इसको ये प्रेस करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और ये हमारी एलईडी जलने लगेगी. मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा ढंग से. देखो यहाँ पे एक ब्लेड रखेंगे, ये इसका ब्लेड को, ये प्लस वाली ब्लेड हो गई, देखो यहाँ पे एक ब्लेड रख दी इन्होंने, और यहाँ से एक वायर ले जाके इधर की साइड भी एक ब्लेड कनेक्ट कर देंगे, ये ब्लेड हो गई दूसरी. तो फ्रेंड इससे बहुत सारी ब्लेड कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यहाँ पर कोई भी एलईडी लगाएंगे आराम से जलेगी. तो फ्रेंड ये है इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट, ये सेल छुपा के रखते हैं. इसमें जो भी ये कागज़ का गत्ता होता है, इसमें क्या है, जो ये बिल्कुल फ्लैट वाले सेल आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, ये इसके अंदर छुपा देते हैं. फिर वहाँ से एक ब्लेड को इसके प्लस पर कनेक्ट कर देते हैं, और अंदर से वायर लेकर दूसरी ब्लेड को माइनस पर कनेक्ट कर देते हैं. फिर प्लस वाली ब्लेड से बहुत सारी ब्लेड कनेक्ट कर देते हैं, माइनस वाली ब्लेड से बहुत सारी माइनस वाली ब्लेड कनेक्ट कर देते हैं. तो फ्रेंड ये केवल यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लोगों को पागल बना रहे हैं. अगर फ्रेंड ऐसा होता तो कोई भी सोलर कंपनी, सारी सोलर कंपनी अब तक बन चुकी होती, बंद हो चुकी होती. तो फ्रेंड मैं बेसिकली बताता हूँ, जो ये न्यूटन और आइंस्टीन है, ये जो ब्लेड से सोलर पैनल बना रहे हैं, ये केवल एक जस्ट कॉमेडी वीडियो है. इसको कॉमेडी की तरह लीजिए, आप लोग सीरियस मत लीजिए. अब मैं बताता हूँ आप लोग को एक्चुअल में सोलर पैनल काम कैसे करता है. तो फ्रेंड देखिए, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, फिर आपको बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाऊँगा, एक बार देख लो इसको, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है ये हमारा. देखिए देखिए, इन्होंने जला के भी दिखा रखा है, जो मैंने बताया वैसा ही है. देखो यहाँ पे एक बेसिकली क्या है, इसमें एक सेल लगा रखा है यहाँ पे, तो इसका प्लस यहाँ पे कनेक्ट है, और इसका अंदर से इन्होंने माइनस कनेक्ट कर दिया इस पर. अब इससे बहुत सा कितनी ब्लेड कनेक्ट कर दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, लगा लो आप कोई भी एलईडी लगा लो तो जलेगी. देखो आगे इसने भी सेम किया हुआ है, इस गत्ते में पीछे की तरफ सेल छुपाया हुआ है. अब देखो बेसिकली सोलर पैनल काम कैसे करता है, जैसे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, तो एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज बन जाता है. अब जैसे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हम इसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फोटोन आएंगे, और फोटोन के कारण इस डिपल्सन लेयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे. देखो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, सारी में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे. अब क्या होगा फ्रेंड, अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो गए, देखो एन साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल पे भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये होल को धक्का लगाएगा इधर की साइड, तो सारे होल जाएंगे इधर की साइड, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन साइड में, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जाएंगे. तो यहाँ पे क्या है, सोलर पैनल के ऊपर फिंगर होते हैं, मेटल फिंगर, तो इन पे चले जाते हैं. इसके बाद यहाँ पे हम वायर कनेक्ट करके जो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, यहाँ पे कोई भी एलईडी लगा देंगे तो ये जल जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे. तो फ्रेंड ऐसे काम करता है सोलर पैनल, बेसिकली मैंने बता चुका हूँ आपको. देखिए और देखते हैं वीडियो में. देखो यहाँ पर जैसे ही फोटोन आया, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जनरेट हो गए बहुत सारे,
इसके बाद डिपल्सन लेयर में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एन साइड में और नेगेटिव चार्ज है पी साइड में, तो ये होल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाते हैं जिसके कारण, देखो ये देखो इसके आगे देखो नेक्स्ट देखो, इसके कारण सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की साइड चले गए और होल इधर की साइड आ गए, तो यहाँ पर हम कोई भी हमने लाइट लगा दी तो ये लाइट से होकर इधर की साइड चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं इधर से, मतलब पूरा पाथ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इधर से जाके इधर चल जाएंगे तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड ऐसे सोलर पैनल काम करता है। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया होगा जो भी ये ब्लेड से सोलर पैनल बना लें इसका पूरा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।